हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान नीट मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक और अपडेट आया है। राजस्थान ने अपनी स्टेट की 85% कोटा के लिए BAMS, BHMS, BUMS, BFMS की काउंसलिंग जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक नया इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी इशू किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, फ़ीस क्या होगी, अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए या नहीं, किस किस कोर्स के लिए अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सारा का सारा इस नोटिफिकेशन में आया है। वो नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले राजस्थान की आयुष मेडिकल काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो आपके सामने है, RajUGPGAayushCounseling.in पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे हाउ टू फिलिंग द फॉर्म मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको मिल जाएगी। हाउ द फिलिंग द फॉर्म का जो टैब है वो अभी डिसेबल कर दिया गया है वापस, लेकिन इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 36 पेज की एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जिसमें सबसे पहले आपको पूरा कोर्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया कि BAMS, BHMS, BUMS, BNYS जितना भी आपका है वो 4.5 ईयर का होगा। साथ ही साथ आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी इंटर्नशिप आपकी होगी, जो कि पेड इंटर्नशिप आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, 1200 रुपये एससी एसटी और एसटी ए और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो सब होगा वो आप इंटरनेट के द्वारा, बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 15th of July से होके 31st of July को रात के 12 बजे तक चलेंगे। जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग की जो होगी आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी काउंसलिंग का शेड्यूल, और आपको नोटिफिकेशन भी मोबाइल के द्वारा SMS से मिल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल तब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, काउंसलिंग तब आपकी शुरू नहीं हुई होगी। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की जब भी शुरू होगी आपको मोबाइल पर नोटिस आ जाएगा मैसेज के द्वारा, और आपको वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगा। मॉपअप राउंड काउंसलिंग की बात करें तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए बताया कि जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद स्टूडेंट रेगुलरली वहां पे विजिट करें। स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए भी आपको वैसे ही विजिट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, BAMS के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 40% फॉर ST एंड OBC, सिमिलरली फॉर BUMS, सिमिलरली फॉर BHMS एंड सिमिलरली फॉर BNYS। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, बायोलॉजी में PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो उनकी 45% मार्क्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, नीट 2019 में बात करें तो नीट 2019 का जो कट ऑफ दिया गया जो स्टूडेंट्स में एलिजिबल हैं, तो जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाइड कर रखा है वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एज लिमिट 71 ईयर, जिनकी एज जो है जो 31 दिसंबर 2019 के पहले तक उनकी 17 ईयर हो जाएगी वो इसके लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं केवल वही स्टूडेंट्स राजस्थान की BAMS सीट के लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स राजस्थान की BAMS को छोड़ BUMS, BHMS की गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। इस पैराग्राफ में आप देखें तो साथ में सबको दे रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अपार्ट डोमिसाइल ऑफ द राजस्थान आर एलिजिबल फ्रॉम BUMS, BHMS एंड BNYS कोर्सेज फॉर द कैंडिडेट। लेकिन जो प्रायोरिटी होगी वो आपको पहले राजस्थान के कैंडिडेट के लिए दी जाएगी, बाद में प्रायोरिटी जो होगी वो आपको दी जाएगी। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स राजस्थान में BAMS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, BUMS, BHMS और BNYS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें जिन स्टूडेंट्स के पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है लेकिन अदर स्टेट में डोलीफाइन कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल तो था लेकिन वो स्टडी के लिए अदर स्टेट्स में चले गए वो भी यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये सारा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर अपने लिए इंपॉर्टेंट और जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो 15% जो सीट्स हैं वो AACC ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा फिल की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आउट ऑफ टोटल जो है 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं नॉमिनीज़ के लिए, बाकी की सीट्स आप देखें तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन पूरा मिल जाएगा। अदर और इसमें रिजर्वेशन नीचे दिया गया है, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोल रखा है कि रजिस्ट्रेशन से लेके आप पहले इन्फॉर्मेशन बुकलेट पूरे अच्छे से पढ़ें, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं।
आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, आपको रिसेंट क्लियर फोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, रिजर्वेशन प्रूफ, नीट 2019 मार्कशीट, एडमिट कार्ड और NRI हैं अगर आप, तो NRI चेट। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होंगी। लेकिन जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगी, और इसमें प्रेफर किया गया है कि केवल आप दो दो कॉपी जरूर रखें, दो दो कॉपी आपको लेकर आनी है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको 16 जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि वन प्रिंटआउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया, काउंसलिंग कॉल लेटर, प्रूफ ऑफ पेमेंट, नीट 2019 स्कोर। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट का आप जरूर स्क्रीनशॉट वहाँ पे लेके रखें, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ फोटो ID, तो ये सब आपको चाहिए। ये सब जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको वहाँ जाके फिर खुद वहाँ पे जाके आपको सबमिट करने होंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर दिया है वहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। अलॉटमेंट होगा जो सीट का, वो आपका सीधा ऑफलाइन प्रोसेस है, आप वहाँ जाके आप अलॉटमेंट करवाएंगे। कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे भी दे रखी है। अब यहाँ पे आता है कोई आप आर्मी कैटेगरी से, कोई अदर डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए नीचे जो परफॉर्मा दिए गए, इन परफॉर्मा को आपको बनवाना है और आपको यहाँ पे साइन करवानी है सैनिक कल्याण बोर्ड की, जैसे अगर आप पैरामिलिट्री कोटा लगा रहे हैं। दूसरा है जैसे कि आप पर्सनली किल्ड और सर्वली डिसेबल्ड कोटा लगा रहे हैं तो उसका यहाँ पर चाहिए होगा आपको पूरा। दूसरा है आप हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव ब्रांच से आपको चाहिए हो, तो नीचे सारे आपको एक्स सर्विसमैन का ये जो परफॉर्मा है, इन्हीं परफॉर्मा में आपको फिल करके जो पर्टिकुलर उसका साइन दिया गया, जैसे नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के, सोल्जर वेलफेयर के सिग्नेचर आपको यहाँ चाहिए एक्स सर्विसमैन के, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पर्टिकुलर यही डॉक्यूमेंट चाहिए होगी जो आप पहले से बनवा के रखें वो नहीं चलेगी, यही परफॉर्मा आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो इस परफॉर्मा को आप प्रिंट आउट करवा के उसको फिल करके आप सबमिट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप डाउनलोड कर वेबसाइट से एक बार अपने लिए क्लियरफुली पूरा अच्छे से उसको पढ़ लें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, इन्फॉर्मेशन ये कि सक्सेस मंत्र की जो टीम है वो फेसबुक पेज पर, हमारे डेली क्विजेज स्टार्ट हो चुके हैं आज से, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी टीम में भी आपको आज से क्विजेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी पर हर दो दिन में एक कोर्स, नया कोर्स अपलोड होता है, जैसे कि आज जो कोर्स अपडेट होगा वो हमारा ISO मैनेजमेंट का कोर्स अपडेट हो रहा है, तो आप वहाँ जाके वो सारे के सारे कोर्स पढ़ सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ये वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आप अनअकैडमी पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।